Su-Kam Falcon Plus एक इंटेलिजेंट होम UPS है और इस वीडियो में हम इसके फ्रंट पैनल पे लगे LED इंडिकेशंस को समझेंगे। पहला LED इंडिकेशन है मेंस ऑन। जब Falcon Plus मेंस से कनेक्टेड है तो मेंस ऑन LED ग्लो हो जाता है और इसके साथ साथ चार्ज LED भी ब्लिंक करने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बैटरी चार्ज हो रही है। और जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाए तो चार्ज LED ब्लिंक करना बंद कर देता है और कॉन्स्टेंटली ग्लो करता रहता है। अगला इंडिकेशन है बैकअप LED। ये LED तब ग्लो करता है जब Falcon Plus मेन से डिस्कनेक्टेड है और बैटरी से लोड चला रहा है। इसके बाद है ओवरलोड LED। ये LED दो केसेस में ग्लो करता है। पहला, जब सिस्टम से उसके रेटेड लोड से ज्यादा लोड कनेक्टेड है तो ओवरलोड LED बजर बीप के साथ रेड कलर में ग्लो करता है। ओवरलोड की कंडीशन डिटेक्ट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ होके फिर ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू Falcon Plus ये चेक करता है कि ओवरलोड की कंडीशन हटी है कि नहीं। अगर ओवरलोड की कंडीशन हट गई है तो Falcon Plus की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। अगर सिस्टम अभी भी ओवरलोड की कंडीशन में है तो Falcon Plus ये प्रोसेस 8 बार करता है। 8 बार रीट्राई करने के बाद अगर अभी भी ओवरलोड की कंडीशन कंटिन्यू रहे तो सिस्टम परमानेंटली ऑफ हो जाता है और उसके बाद सिस्टम को ऑन करने के लिए लोड को कम करके पावर एक्टिव स्विच को रीसेट करना पड़ता है। और दूसरा केस है जब सिस्टम के आउटपुट लोड पे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओवरलोड LED बजर बीप के साथ रेड कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहती है। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन डिटेक्ट करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ होके फिर ऑन हो जाता है। इस प्रोसेस के थ्रू Falcon Plus ये चेक करता है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हटी है कि नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हट गई है तो Falcon Plus की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाएगी। अगर सिस्टम अभी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में है तो Falcon Plus ये प्रोसेस 4 बार करता है। 4 बार रीट्राई करने के बाद अगर अभी भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन कंटिन्यू रहे तो सिस्टम परमानेंटली ऑफ हो जाता है और उसके बाद सिस्टम को ऑन करने के लिए हमें शॉर्ट सर्किट हटा के पावर एक्टिव स्विच को रीसेट करना पड़ता है। Falcon Plus में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन के लिए एक और प्रोटेक्शन फीचर है। Falcon Plus 4 रेंजेस में अवेलेबल है, 750, 900, 1100 और 1600 VA। Falcon Plus 750 और 900 के बैक पैनल में इस प्रोटेक्शन के लिए रीसेटेबल फ्यूज लगाया गया है और Falcon Plus 1100 और 1600 में MCB लगाया गया है। मेंस अवेलेबल की कंडीशन में अगर सिस्टम के आउटपुट पे कोई शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड हो जाए तो बैक पैनल पे लगा रीसेटेबल फ्यूज बाहर आ जाता है या MCB ट्रिप हो जाती है। इस कंडीशन में मेंस ऑन LED ब्लिंक करना शुरू कर देता है। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट हटाने के बाद हमें मेंस MCB या रीसेटेबल फ्यूज को फिर रीसेट करना पड़ता है और उसके बाद सिस्टम का नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाता है। इसके बाद है बैटरी लो LED इंडिकेशन। Falcon Plus में दो बैटरी लो कट के ऑप्शंस हैं, एक 10.5 वोल्ट पे और एक 11 वोल्ट पे। इन दोनों वोल्टेजेस पे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगर आपने अपने Falcon Plus में 10.5 वोल्ट लो कट सेट किया हुआ है तो लगभग 10.8 वोल्ट पे बैटरी लो वार्निंग शुरू हो जाएगा और बैटरी लो LED इस कंडीशन में रेड कलर में ब्लिंक करना शुरू कर देगा बजर बीप के साथ। और जैसे ही बैटरी वोल्टेज 10.5 वोल्ट आ जाएगी तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देगी और लोड चलना बंद हो जाएगा और इस कंडीशन में Falcon Plus में बैटरी लो LED रेड कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब अगर आपने अपने बैटरी लो कट को 11 वोल्ट पे सेट किया है तो लगभग 11.2 वोल्ट पे बैटरी लो वार्निंग शुरू हो जाएगा और इस कंडीशन में बैटरी लो LED रेड कलर में ब्लिंक करना शुरू कर देगा बजर बीप के साथ। और जैसे ही बैटरी वोल्टेज 11 वोल्ट पे आ जाएगी तो बैटरी बैकअप देना बंद कर देगी और लोड चलना बंद हो जाएगा और इस कंडीशन में Falcon Plus में बैटरी लो LED रेड कलर में कंटिन्यूसली ग्लो करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है।
आखिरी एलईडी इंडिकेशन है एबीएस एक्टिव। ये एलईडी तभी ग्लो करता है जब पावर स्विच ऑन स्टेट में है। अब अगर सिस्टम पे कोई इंटरनल फॉल्ट आ जाए तो फाल्कन प्लस मेंस को बाईपास करके लोड को कंटिन्यूसली ऑन रखेगा और इस कंडीशन में मेंस एलईडी वाइट कलर में ग्लो करेगा और चार्ज एलईडी भी कंटिन्यूसली वाइट कलर में ग्लो करेगा। अब अगर पावर स्विच ऑफ है तो एबीएस एक्टिव एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इस समय पे अगर मेंस अवेलेबल है तो सिस्टम नॉर्मल बाईपास कंडीशन में लोड चलाएगा और बैटरी भी चार्ज करेगा। इस समय पे मेंस ऑन एलईडी ग्लो करता है और चार्ज एलईडी ब्लिंक करता है। जब मेंस अवेलेबल नहीं है और पावर स्विच ऑफ है तो सिस्टम कोई आउटपुट नहीं देगा।